भी देखा ना, आपकी बड़ी मैं फैन हूँ, देखती हूँ। देख ले, मेरी फैन है ये। मैं कहा चलो, सही बात है, मैं आपसे बहुत इंस्पायर हूँ। आप मेरी क्या फैन है, मैं खुद आपकी फैन हूँ। थैंक यू सो मच। मैंने ब्लैक शलवार कमीज किसी की वो कहते हैं फरमाइश से, वेरी गुड शिरोज, मुझे बहुत देर बाद याद आता है। मैंने ये ब्लैक शलवार कमीज, हाँ प्यारी लग रही हूँ ना वैसे, वैसे सच बताना, दिल से बताना। अपने मुंह मियां मिठू कभी कभी बनना चाहिए यार। वेलकम बैक टू समन की दुनिया, से वेलकम बैक टू माई न्यू व्लॉग। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और आपकी दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह मैं जैसी दिख रही हूँ मैं वैसी हूँ, बस मेरे बाल ज़रा ख़राब हुए हैं जो कि बाइक में हो जाते हैं। तो आज आपको हम लेके आए हैं बरकत मार्केट में एक स्टोरी के साथ। स्टोरी बहुत खास है, मोटिवेशनल स्टोरी है, लाजमी देखिएगा। ये देखें, वो है सर, ये है मेरा भाई, और ये है सर कैमरा मैन। हेलो कर दे भाई, हाथ ला दो, हाथ ला दो, हाँ तलाता जी। अच्छा जी, आज हम मोटिवेशनल स्टोरी लेके आए एक लड़की के हवाले से, यानी कि एक लड़की है इन ड्राइवर करती है। जी सर, ये पकड़ो, श्रोज श्रोज आपको बताएगा, पकड़ो पकड़ो पकड़ो, बताओ। तुमने बताया नहीं होगा, मैं नहीं बताया, मुझे नहीं। अच्छा, हम एक मोटिवेशनल स्टोरी के साथ आए हैं। स्टोरी कुछ ऐसी है कि एक लड़की है, वो इन ड्राइव में बाइक चलाती हैं, तो लड़कों को भी बिठा लेती हैं तो सबको बिठा लेती हैं, बहुत अच्छी बात है, बहादुर लड़की है। और ये उन लोगों के लिए मिसाल है जो गलत कामों में पड़ जाते हैं और क्या क्या कहूँ, हिम्मत नहीं करते, हलाल रोज़ी नहीं कमाते, गलत कामों में पड़ जाते हैं। आए, अब हम उनसे बात करते हैं, थोड़ी देर में वो आने लगी हैं, फिर आपको बताते हैं, साथ इनसे थोड़ी आपकी बात भी करवाते हैं। थैंक यू। मानों का रही है प्रोग्राम, तब जिक्र मैं कुछ खा पी क्या, तो मैं तो गला बहुत सूख रहा है, चलते हैं हम कुछ खाने पीने के लिए। खोगा किस तरह, पानी की बोतल या फिर बोतल, बोतल चलते हैं पी के आ गई हूँ, लेकिन मानों का प्रोग्राम टिकट ख़त्म हुआ। अच्छा उनका ये कैसा होता है, मैं बोतल पी के आ चुका लेकिन मानों का प्रोग्राम अभी टिकट ख़त्म हुआ। ये है भाई बाइक जो आंटी चला के आती हैं, क्या बात है। का हो गया प्रोग्राम खत्म, अब हम चलते हैं स्कूल, गलत होगी। तो मानो का हो गया प्रोग्राम खत्म, तो हम चलते हैं एकेडमी। उससे पहले कहूँगा मानो मुझे कुछ खिलाओ। अल्लाह हाफिज। मैंने जब आपका था रात को बोतल ना पियो तब की पी थी। आपको पता है मेरे साथ आमना मौजूद है, ये इनकी बाइक है जो कि इन ड्राइव से ये बाइक ड्राइव करती है। अच्छा आमना, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे जो
देखने वाले हैं, आप उनको जरा प्यारा से सलाम कह दें। अस्सलाम वालेकुम सबको जो मेरी वीडियो देख रहे हैं, और कैसे हैं आप सब? अच्छा आप ना मुझे आप बताओ कि आपने ये जो इन ड्राइव करते हैं, आपको बाइक चलाते डर नहीं लगता? नहीं नहीं, टूटे छूटे खा के सीखे, डर किस बात का होना है? अच्छा यकीन माने मेरे पास अपनी स्कूटी है। अच्छा, लेकिन मैं बाइक से बहुत डरती हूँ, मैं इसके गियर भूल जाती हूँ, पता नहीं क्यों। गियर घर तो नहीं छोड़ जाती है आप? लगता मैं अपने घर छोड़ जाती, मैं भूल जाती यार, मैंने पहला डाला दूसरा तीसरा, मुझे बड़ा मुश्किल होता है। आपको कभी मुश्किल नहीं पेश आई? नहीं नहीं, जब मैंने सीख लिया मैं गिड़गिड़ा के सीख लेती हूँ। अच्छा आप ना इंशाल्लाह अल्लाह पाक आपको कामयाब करे, आगे जाके आप बाइक की जगह, आपके पास जब मैं दोबारा आऊँ तो आपके पास कार होनी चाहिए इंशाल्लाह। तो आप इतना अर्न कर लेती हैं? हाँ जी। चलो वो तो अल्लाह पाक की मर्जी है, अल्लाह पाक किसी को ज्यादा देता है, किसी को थोड़ा देता है और किसी को नहीं देता, बस हमें सब्र और शुक्र अदा हमेशा करना चाहिए। जी बिल्कुल। और आमना से मुझे मिलकर बहुत अच्छा लगा, और आई होप आप मुझे दोबारा भी मिलेंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और ये इनकी बेटी है इकरा, और ये 10th क्लास में पढ़ रही है, और आगे इन्होंने एंकर बनना है मेरी जैसी, है ना? है ना इकरा, मेरे जैसी बनना है किसी और जैसी? नहीं नहीं, आपकी जैसी बोल। बस ठीक है, मैंने बना दिया फिर आपको एंकर। थैंक यू सो मच। मैंने स्टोरी कर ली और मेरा गला इंतहा का ख़राब था, लेकिन बहुत ही ज़्यादा ख़राब, यकीन माने मेरा बहुत ज़्यादा गला ख़राब है, और मैंने बहुत मुश्किल से मतलब के इनसे बात की है, और बात भी करनी थी, और गला ऐसे सूखा पड़ा है, और मेरे होंठ भी सूख गए हैं। अब आपको पता है गर्मियाँ आ गई हैं, और गर्मियों में क्या होता है, ऐसी ही हालत होती है। क्या सर दोबारा करो? दोबारा कहाँ से दोबारा करूँ? ये देखो मैंने कहा था खांसी करेगी, बोतल और कम भी नहीं है। वो देख अभी बोतल पी है मैंने, पड़ी है मैंने, हाथ ही लगाया, वो दिखा। ये मेरा ना छोटा भाई है, मुझसे बड़ा लग रहा है, चेहरा ही मिल रहा है, मिल रहा है चेहरा, सेम टू सेम। क्योंकि मैंने टिकटॉक पे भी देखा ना आपकी बड़ी, मैं फैन हूँ, देखती हूँ, देख ले मेरी फैन है ये। मैं कहा चलो, सही बात है, मैं आपसे बहुत इंस्पायर हुई हूँ, आप मेरी क्या फैन है, मैं खुद आपकी फैन हूँ। थैंक यू सो मच, मुझे भी बहुत ज्यादा अच्छा लगा। थैंक यू, इंशाल्लाह मिलते रहेंगे इंशाल्लाह। नंबर दे दिया आपको, जब मर्जी कॉन्टेक्ट करिए इंशाल्लाह। जी जी, तो जब मुझे कभी लाइट की जरूरत पड़ी तो मैंने आपको रात के 12 बजे तंग करना शुरू कर देना। अल्लाह, अच्छा चलो ठीक है, आ जाएंगे मेरे लिए, आ जाएंगे इंशाल्लाह, आऊंगी। बहुत शुक्रिया आपका। आपको सबसे पहले बताऊं कि हम किस जगह खड़े हैं, बरकत मार्केट में खड़े हैं, ये हमने स्पेस ढूंढी हुई है कि हम इसके पास करेंगे। अब बोल न्यूज वाले आए हैं इनका इंटरव्यू लेने के लिए, और ये दरमियान में खड़े हैं। रोज को कुछ लगता है ज़्यादा जल्दी है, तो अब मेरा गला सूख गया, मैं शिरोज को कहती मुझे पानी ला के, ये देखे मुझे बोतल पकड़ा के और खुद जा रहे हैं। अच्छा लगता है मैं हाथों बोतल पकड़ूं, मेरा गला खराब भी है। आपने गला ठीक है, यहाँ से मैं गुजर सकती हूँ, आप नहीं गुजर सकते, आप मोटे हैं। मतलब वो पहुंच भी गया, क्या सोचा कि मैं बोतल पी के घर जाऊंगी, गला वाकई आ गया, अरे फिर बोतल पीने पानी में पी लूंगी, फायदा सीधी मुंह पे पड़ रही है, दो काली हो जाऊंगी उसके छाऊंगी। ये मैंने ब्लैक शलवार कमीज किसी की वो कहते फर्माईश। हैं फरमाइश से, वेरी गुड शिरोज, मुझे बहुत देर बाद याद आता है, मैंने ये ब्लैक शलवार कमीज किसी की फरमाइश से डाली है, और उसका नाम है गुलनाज, जो कि मुझे मेरी बहुत बड़ी फैन है, और मेरे पास बस थोड़ा टाइम नहीं होता उससे बात करने को, बाकी रिस्पेक्ट है मेरे दिल में, वो हमेशा रहेगी। गुलनाज आपके लिए ब्लैक सलवार कमीज पहनी है, देख लो सर की भी, देख लो सर ने वाइट दिखा रहे हैं सर, और सर ने भी मेरी वाइट पहनी है, पता नहीं किसकी कहने पे। जी अब हम इधर से जा रहे हैं अपने घर, यानी कि मैंने बोतल पी ली है और गला थोड़ा सही हो गया है, पीने से थोड़ा सही हो गया है, और अब हम जा रहे हैं अकेडमी, अकेडमी जाके अब आपको मिलते हैं, अकेडमी का भी टाइम हो गया है और मेरा कोई इंतज़ार कर रहा है वहाँ पे, मैंने बताया भी नहीं और मैं यहाँ आ गई हूँ। चल हाँ प्यारी लग रही हूँ ना वैसे, वैसे सच बताना, दिल से बताना, अपने मुँह मियाँ मिठू कभी कभी बनना चाहिए यार, प्यारी लग रही हूँ। नाजरीन कह दिया यार। तो जी फ्रेंड्स हम आ चुके हैं अपनी एकेडमी, तो अब हमारा टाइम हो गया बच्चों को पढ़ाने का, और कुछ थोड़ा कुछ डांट खाने का, जाहिर है लेट आई हूँ, डांट तो पड़ेगी,
तो इधर ही अपना ये व्लॉग करते हैं इख्तिताम। तो फिर आप हमें इजाज़त दें, अपना ख्याल रखिए, अपने प्यारों का ख्याल रखिए, और मुझे और शहरोज को और मेरे घर वालों को हमेशा याद रखें। क्या बताना है मेरे पॉइंट ऑफ बोल तो अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर, सी यू। अपना क्या रखें, अपने प्यारों का क्या रखें, हमें दुआ में याद रखें। ना मारी, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।